कैसी लगी मेजर? मेजर मूवी आउटस्टैंडिंग, मतलब बहुत ही शानदार मूवी है। इस मूवी का कोई जवाब नहीं है। मतलब कि जब ये फिल्म स्टार्ट होती है ना, तो शुरू में जब प्रकाश, आप तो जानते हैं कि केजीएफ चैप्टर टू में प्रकाश राज जी ने किस तरीके से एक्सप्लेन करा था, उससे भी अच्छी तरीके से इस फिल्म में करना एक्सप्लेन करा है। और वाकई में यार फिल्म आपको शुरू से ही रुलाना चालू कर देती है। सर आप खुद एक क्रिटिक हैं, आपको मूवी देखते टाइम ऐसा लगा कि ये मूवी ऑडियंस के लिए अच्छी है या जो क्योंकि क्रिटिकली ये मूवी जो है वो ऑलरेडी सक्सेस है, तो आपको क्या लगा मूवी इंटरटेनिंग है? देखिए ये मेरे हिसाब से 2022 का पहला ऐसा हफ्ता है जहाँ पर तीन फिल्में आई है और तीनों फिल्में ब्लॉकबस्टर है। एक के बाद एक आपको शानदार शानदार मूवी देखने के लिए मिलेगी। पर जहाँ तक मेजर की बात करें तो इस मूवी का वे अलग है, हमारे भारत देश से जुड़ी हुई है और जो फिल्में भारत देश से जुड़ी होती है वो मेरे दिल से जुड़ी होती है और ये फिल्म आपको जरूर देखने जाना चाहिए। अच्छा सर आपने शेरशाह मूवी देखी है? जी बिल्कुल। सर उस मूवी के मुकाबले आपको ये मूवी कितनी अच्छी लगी? जी दोनों मूवी के ना काफ़ी डिफरेंस है। उसके अंदर आतंकवादी बताए जाते हैं जो कि वो काफ़ी बड़ा लेवल हो गया, ठीक है। इसके अंदर भी आतंकवादी बताए जाते हैं, बाकी यहाँ पर ताज होटल के ऊपर हमला होता है। बट एक बात बिल्कुल कंफर्म है कि दोनों ही अपने लेवल पे सुपर फिल्म है। सर वन ऑफ द बेस्ट एक्टिंग किसकी लगी आपको? मेन लीड कैरेक्टर जो अपने फौजी साहब, तो उनका नाम तो नहीं पता मेरे को, बाकी दूसरे एक्टर जो है वो प्रकाश राज जी और उनकी जो वाइफ है उनका भी काफ़ी अच्छा रोल था। और जो अपने फौजी साहब है उनके जो लवर्स थे उनका इतना ज़्यादा कुछ रोल देखने के लिए नहीं मिला, भाई जितना भी था अच्छा काम करा उन्होंने। और इसके अलावा मिस मांजरेकर, मांजरेकर अच्छा उनका तो क्या कहना है यार, उनकी तो बात ही अलग है। रोल था अच्छा, बड़ा था फिल्म में? नहीं इतना बड़ा रोल नहीं था उनका, बाकी फिर भी अच्छा था। मतलब कैसे लगे VFX, विजुअल इफेक्ट्स? इसके अलावा बात करूँ बैकग्राउंड म्यूजिक की, क्योंकि इस तरह की फिल्मों में बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत मैटर करता है। देखो यार मेरे हिसाब से तो मैं क्या बताऊँ आपको, जो मूवी है इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना वही इसकी जान है। जहाँ तक मुझको पता है कि जहाँ जहाँ पर अभी स्टोरी निकल के आती है, प्रकाश राज सर अपनी स्टोरी सुनाते हैं, जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता ना थिएटर के अंदर, तो जो गूज बम निकलता दिल के अंदर से, भारत माता की जय निकलती है, वो बस थिएटर के अंदर ही मजा आएगा। अगर आप टेलीग्राम वाले हगने वाले हो तो इस मूवी को आप मत देखने आना, आपकी जिंदगी पे हुए। अच्छा इसके अलावा बात करूँ फिल्म की इमोशन सीन्स की, तो मैंने जब फर्स्ट डे फर्स्ट शो का रिव्यू लिया था, आज 3 दिन हो गए फिल्म को, तो 2 दिन ऑडियंस मिली थी मुझे, बट उनकी आंखों में आंसू थे, तो आपको ऐसा लगा कि फिल्म बहुत ज़्यादा इमोशनल करती है? जी जैसे कि मैंने आपको बताया कि शेरशाह मूवी है उसके अंदर भी एक लव पॉइंट रहता है और इसके अंदर भी एक लव पॉइंट है, और एक सबसे प्यारी बात है कि माँ का भी सस्पेंस है, तो इसके अंदर कि आप शुरू से इमोशनल हो जाते हैं और आपको रोने जैसी फीलिंग आने लग जाती है, और बैकग्राउंड म्यूजिक तो अपना काम करता ही है। मतलब कुल मिलाकर के फिल्म इमोशनल भी है, एक्शन भी है, लविंग भी है, स्वीट भी है। फिल्म में एक किसी चीज़ की कमी लगी आपको कि ये चीज़ और हो जाती तो सोने पर सुहागा हो जाता? मुझको कहीं ना कहीं लगा कि जो लव स्टोरी थी उसको थोड़ा सा और बढ़ा के दिखाना था, जैसे कि शेरशाह मूवी के अंदर बताया गया कि हाँ किस तरीके से उसको मतलब करा है, क्या नहीं करा, शादी, आई थिंक शादी वादी भी नहीं बताई है कि शादी कब हो जाती है, बाकी इन चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि फिल्म इतनी शानदार तरीके से बनाई गई है। अच्छा फिल्म में जो लीड कैरेक्टर है जो कि मिस्टर संदीप का रोल करते हैं, इनके अलावा जो उनके साथी होते हैं उनमें से कोई इम्पैक्ट छोड़ पाता है अपनी? देखो जो मेन लीड कैरेक्टर है ना तो आप उनसे नज़र नहीं हटा पाते, इसलिए आप दूसरे कैरेक्टर की बात ही नहीं कर सकते हैं जी। Okay. इसके अलावा कोई ऐसा कैरेक्टर जो हमेशा याद कर रहे कि नहीं यार ये जो मूवी है ये वो नीम का पत्थर साबित हुई? प्रकाश राज जी। प्रकाश राज जी मतलब वो तो है ही, देखिए लीजेंड एक्टर, वो है लीजेंड एक्टर, बाकी प्रकाश राज सर अपनी जिस भी फिल्म में होते जान डाल देते हैं। एक्टर की मेहनत आपको देखकर लगी कि नहीं यार उन्होंने भी पूरा 100% दिया फिल्म के लिए? देखिए जितने भी एक्टर्स थे सभी ने अपना 100% दिया है, और दोस्तों फिल्म काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर आप भारत माँ से प्यार करते हैं, इस देश के सिपाहियों से प्यार करते हैं, वो बॉर्डर पे जब लड़ते हैं तब हम घर पे चैन में सोते हैं, तो आप जाइए यार प्लीज़ पिक्चर को देखिए, पिक्चर अच्छी है बिल्कुल। अच्छा सर इसके अलावा फिल्म को प्रोड्यूस ऐसे बंदे ने किया जो ये मानते कि उन्हें बॉलीवुड खरीद नहीं सकता या फिर बॉलीवुड उन्हें हायर नहीं कर सकता, है ना महेश बाबू जी, तो आपको लगता है कि मतलब उन्होंने ये सारी चीज़ें सही बोली थी फिल्म रिलीज से पहले? देखो यार कहीं ना कहीं मैं समझ, ये बात गलत है क्योंकि जितने में महेश बाबू की फिल्में बनती है ना उतने हमारे बॉलीवुड के एक्टर फीस ले लेते हैं। अरे फीस में हम लोग गाना बना लेते हैं, सही बात है, उससे महंगे महंगे गाने बन जाते हैं। सर ऑडियंस कम है हिंदी डब में, हिंदी वर्जन में देखा जाए तो ऑडियंस कम है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि दो बड़ी फिल्में हैं, पहला अक्षय कुमार सर की पृथ्वीराज, इसके अलावा कमल हसन विजय सेतुपति सर की विक्रम, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इन दो फिल्मों की वजह से इधर ऑडियंस कम हो गई, आपको क्या लगता है इस बारे में? देखो सबसे बड़ा जो रीज़न है फिल्म का प्रमोशन,
उस लेवल पे नहीं करा गया। आपको पता है कि जो बैकग्राउंड प्रमोशन रहता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है ऑन द टेलीविज़न, क्योंकि आपको मैं एक बात बता दूं कि हम सबके बीच में पुष्पा मूवी आई थी, वो किसकी वजह से चली? अल्लू अर्जुन की वजह से। बट यहाँ पर कैरेक्टर नया था जिसकी वजह से फिल्म कहीं ना कहीं दब गई। अगर इस मूवी का प्रमोशन सही से होता तो मेरे हिसाब से अभी ये विक्रम मूवी को या फिर पृथ्वीराज को टक्कर दे रही होती। मतलब आपको क्या लगता है कि फिल्म सुपर हिट होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि फिल्म का बजट कम है और फिल्म होगी क्योंकि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ही फिल्म का 25 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है अपने 3 दिनों में, तो जाहिर सी बात है कि अपने पहले हफ्ते में ये फिल्म सुपर हिट हो जाएगी। सर आउट ऑफ 10 कितने स्टार? प्रकाश राज जी को मैं देना चाहूँगा 10 out of 9, और जो अपने मेन लीड में थे उनको 10 out of 8 स्टार देना चाहूँगा, उनकी वाइफ को देना चाहूँगा मैं 10 out of 6, और जो उनकी माँ थी उनको भी 10 out of 6 स्टार की रेटिंग देना चाहूँगा, और बाकी तो मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। ओवरऑल फिल्म को कितना स्टार? ओवरऑल मूवी को देना चाहूँगा 10 out of 7 स्टार। थैंक यू सर। ओके, जोरदार थी, क्या अच्छा लगा, क्या जोरदार लगा मूवी का डायरेक्शन, मूवी में जिस हिसाब से BGM को यूज़ किया है, और मतलब जो संदीप उन्नीकृष्णन को जिस तरह से दिखाया है, जो मतलब एक रियल हीरो कैसा होता है, वो बहुत परफेक्ट था। अच्छा, फिल्म को रियल स्टोरी से जोड़ा गया, तो किस हद तक मूवी रियलिस्टिक लगी? पूरी मतलब ऑफ कोर्स अब सिनेमा है तो थोड़ा सा वो फिक्शन और वो क्या बोलते हैं सिनेमैटिक लिबर्टी लेते हैं, बट उसके अलावा भी मतलब सब कुछ बढ़िया था। कहानी कैसी लगी? जोरदार। शेर शाह मूवी देखी आपने? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। उससे किस हद तक मिलती जुलती मूवी है? शेरशाह जो वाइब मिस कर दी थी ना हमने सिनेमा वाली, पूरी इसमें मिल गई है, मतलब देशभक्ति वाली फीलिंग। अरे बिल्कुल बिल्कुल, रोना आता है, खतरनाक। फिल्म का सबसे अच्छा पार्ट क्या था, देशभक्ति, एक्शन, ड्रामा या फिर बाकी चीज़ें? एक्चुअली सभी चीज़ अच्छी थी, बट सबसे अगर मुझे कुछ सबसे सही लगा तो उसका जो क्लाइमेक्स था वो सबसे बेस्ट लगा। मतलब आपको पूरी पेट्रियोटिज्म जो भी है देशभक्ति वाली पूरी आपको फील आ जाएगा वो। सर आपको कैसी लगी? एक नंबर, क्लासी, सब बहुत परफेक्ट था, अदबी शेज वॉज ग्रेट। एंड सर आपकी आंखों में अभी भी आंसू नज़र आ रहे, तो फिल्म सचमुच रुलाती है? अरे लास्ट का सीन वॉज लाइक क्या बोलूँ यार, जो एक डेडिकेशन के साथ एक पेट्रियाटिक फील था वो बहुत डिफरेंट था उसमें। सर फिल्म में देशभक्ति का एंगल किस हद तक अच्छा लगता? देशभक्ति का पूरा है, मतलब जो एक सोल्जर की लाइफ होती है वो क्यों उसकी स्ट्रगल्स रहती है, वो सब सैक्रिफाइस करने तैयार रहता है, बहुत अच्छा, बहुत। मतलब ये साउथ की इस तरह की मैं समझता हूँ शायद पहली फिल्म है, तो आपको लगता है कि ऐसी मूवियाँ जो है इन फ्यूचर बनना चाहिए? आई थिंक बनना ही चाहिए, अभी तो साउथ काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर ही रहा है, तो करेगा ही, मेरे को लगता है आगे बननी चाहिए बहुत। सर मूवी में जो हीरोइन का काम था साई मांजरेकर का, उनका रोल कैसा लगा आपको? इट वाज ओके, मतलब प्रकाश राज सर कैसे लगा? प्रकाश राज उनके पेरेंट्स का रोल वाज रियली एक टच जो बनता है पेरेंट्स का, एक सोल्जर के पेरेंट्स का स्ट्रगल होता है वो पूरा अच्छे से डिपेक्ट किया उन्होंने। सर ऑडियंस कितनी थी मूवी का? वहीं पे थोड़ा मेरे को डिसअपॉइंट लगा, काफ़ी कम थी आज के पॉइंट, बट मेरे को लगता है फ्यूचर वर्ड ऑफ माउथ के कारण शायद।